दोस्तों महिंद्रा थार रॉक्स यानी कि थार 5 डोर लॉन्च हो चुकी है और कीमत रखी है कंपनी ने शुरुआती 12,99,000 रुपये, जो कि पेट्रोल की है, हालांकि टॉप मॉडल की नहीं पता है, और डीजल वेरिएंट की 13,99,000 रुपये एक शोरूम है। अब यहाँ पर आप जो कलर्स देख रहे हो, ये काफ़ी सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप यहाँ पर देखो, एक ये कलर है, दूसरा ये ब्लू कलर है, और तीसरा ये वाइट कलर है, ये आपको रेड कलर देखने को मिल जाता है, रेड नहीं है, बेसिकली डार्क रेड है ये। और यहाँ पर बाकी ये सारे मल्टीपल कलर्स आप देख सकते हैं। गाड़ी में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, थ्री डोर से कितनी अलग देखने को मिलती है, मैं फटाफट से बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सी शेप एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, डीआरएल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और प्रोजेक्टर एलईडी है। बाकी ये सिक्स पैक कंपनी से बोल रही है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वर्टिकल स्लैट्स ग्रिल है, तो सिक्स पैक कंपनी से बोल रही है। कैमरा मिल जाता है, क्योंकि अब इसमें 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा दिया गया है। काफ़ी यहाँ पर रगेड बम्पर आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फॉग लाइट मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं, दो पार्किंग सेंसर फ्रंट की तरफ है। बाकी साइड में क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 19 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं ऑल टेरेन टायर के साथ टॉप मॉडल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, थार रॉक्स यहाँ लिखा गया है। यहाँ आपको ओआरवीएम मिल जाता है, सेम वैसे ही जिस तरीके से थार में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको कैमरा भी दिया जा रहा है। बाकी डोर ओपन करने के लिए सेम वही आपको देखने को मिल जाता है, जिस तरीके से आप ओपन करते हैं, रिक्वेस्ट बटन नहीं है, की आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो पीछे वाला दरवाज़ा यानी कि सी पिलर पर, यहाँ ऊपर की तरफ आपको ये गेट ओपन करने के लिए देखने को मिलता है। बाकी बॉडी क्लैडिंग आप देख सकते हैं। और रियर प्रोफाइल में अगर आप आएंगे तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पर पीछे की तरफ स्पेयर व्हील फुल साइज़ का, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको ये स्प्लिट होके ओपन होता है, अच्छा खासा आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। और साथ ही जो सीटें हैं ये 60-40 आप फोल्ड भी कर सकते हैं। खैर अभी फोल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा था। बाकी इसके नीचे आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसे कर लेते हैं बंद, और डिफॉगर रियर वाइपर ये कंपनी ऑफर कर ही रही है। सी शेप में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, रिफ्लेक्टर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 4x4 जो वेरिएंट है बेसिकली उसमें यहाँ पर साइड में एक बैज भी देखने को मिल जाता है जो 4x4 है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये बेसिकली थार का मैं सनरूफ ओपन कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में आपको ना सनरूफ मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा फैन तेज हो गया था। खैर इंटीरियर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, इंटीरियर में नया क्या है, यहाँ पर अब आपको 3XO जैसा ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, नया है बिल्कुल। और साथ ही यहाँ पर रगेड लुक आपको देखने को मिल ही जाती है। यहाँ आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है छोटे मोटे स्पेस के साथ। सीटें लेदर सीटें हैं, वेंटिलेटेड सीटें हैं, थार लिखा गया है, और स्टिचिंग वगैरह काफ़ी प्रीमियम नज़र आ रही है। ये आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड वाला ही, बाकी ये खुलता है इस तरीके से पूरा ही है। पार्किंग ब्रेक जो है इलेक्ट्रिकली है और वैसे नहीं है, दो कप होल्डर्स है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीटों के यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए, ड्राइव मोड्स मिल जाता है, और साथ ही क्लाइमेट कंट्रोल के ये कुछ बटन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं यहाँ। अब ये 4x2 वेरिएंट है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। जो 4x4 है उसमें आपको एक अलग से जो ट्रांसफर केस का जो प्रॉपर नॉब होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है। बाकी इस गाड़ी में आपको स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ वैनिटी मिरर के साथ लाइट है, सेम यहाँ पर भी वैनिटी मिरर के साथ ऊपर की तरफ लाइट है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM कंपनी ऑफर कर ही रही है। इसके अलावा गाड़ी में आपको एडास लेवल के फीचर्स भी कंपनी ऑफर कर रही है। इसके अलावा चलते हैं फटाफट से पीछे की तरफ, लेकिन एक चीज़ और, इसमें हार्मन कार्टन के स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। रियर सीटों पर आएंगे तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, और लेगरूम काफ़ी बढ़िया है। हाई पोजिशनिंग सीट्स आपको देखने को मिल जाती है, दो AC वेंट्स है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा मोटा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, तीन लोग इजीली बैठ सकते हैं। फ्लैट फ्लोर है और तीनों के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जिमनी से तो बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगी। यहाँ पर दो लोगों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ दो कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और सेफ्टी के लिहाज गाड़ी में कंपनी ने 6 एयरबैग्स दिए हैं, और 35 से ज़्यादा, लगभग 35 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने इस गाड़ी में ऑफर किए हैं। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में दो, एक पावरफुल, एक मतलब थोड़ा सा कम पावरफुल है, बाकी 4x2 है, 4x4 है, और मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शन, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, टॉर्क कन्वर्टर, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाती हैं। फटाफट से इंजन के बारे में और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। अब गाड़ी के इंजन ऑप्शंस को लेकर बात करें तो देखो मेरे पास पूरा ब्रोशर आ चुका है, और इस गाड़ी में दो पेट्रोल इंजन मिलेंगे, दो पेट्रोल इंजन यानी कि एक नॉर्मल वाला और एक पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि M Stallion है, और दूसरा है टर्बो GTI। तो
दो लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, एक तो आपको पावर जनरेट करेगा लगभग 160 पीएस की और दूसरा पावर जनरेट करेगा 175 पीएस की पावर है। पहला जो इंजन है 330 एनएम का टॉर्क देगा, जो पावरफुल इंजन है टर्बो पेट्रोल वो 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। डीजल भी दो आपको इंजन मिलेंगे, ठीक है, 2.2 लीटर के हैं और उसमें आपको एक जो पावर देगा वो 160 बीएचपी के आसपास और दूसरी जो पावर देगा वो देगा 172 बीएचपी के आसपास। और टॉर्क भी आपको 330 एनएम देखने को मिल जाता है जो कम पावरफुल है, और जो ज़्यादा पावरफुल है उसमें आपको 370 एनएम का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ विकल्प देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आप बताओ आपको महिंद्रा की नई थार रॉक्स कैसी लगी, 5 डोर थार कैसी लगी, मल्टीपल कलर ऑप्शंस में आने वाली और कीमत मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है।